एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। बुधनी में अखिलेश यादव के साथ चोट हो गई। अखिलेश यादव को सुनने कोई नहीं पहुंचा, मंच पर रखी कुर्सियां तक खाली रही। ऐसे में अखिलेश यादव को बगैर सभा किए ही लौटना पड़ा। बुधनी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे अखिलेश यादव को सुनने कोई नहीं पहुंचा, यहां तक कि मंच पर रखी कुर्सियां तक खाली रही। ऐसे में अखिलेश यादव नर्मदा पूजा कर वापस हो लिए। सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है, जिसे यह सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है। इसी सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस से विक्रम मस्ताल मैदान में है। पहले लोग मान रहे थे कि यहां मुकाबला शिव और हनुमान के बीच है, लेकिन मिर्ची बाबा ने पार्टी को यहां उम्मीद जताई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने बुधनी पहुंचे थे। सभा को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन सभा में जनता नहीं पहुंची। और तो और, सभा स्थल पर बनाए गए मंच पर लगी कुर्सियां तक खाली थी। ये सूचना जब अखिलेश यादव को मिली तो उन्होंने सभा करने से इनकार कर दिया। सभा निरस्त होने के बाद अखिलेश यादव नर्मदा पूजन करने नर्मदा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने नर्मदा पूजन किया। इस दौरान उनके साथ सपा के विधानसभा प्रत्याशी मिर्ची बाबा मौजूद थे। लौटते समय उन्हें रास्ते में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल जनसंपर्क करते हुए मिले। अखिलेश यादव ने रुककर विक्रम मस्ताल से चर्चा की, उन्हें शुभकामनाएं दी और वो लौट गए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर मीडिया से बात कर भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की और कहा डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। साथियों से बात कर चुका हूं, मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा जी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। कम से कम हमारे मिर्ची बाबा भी कम नहीं है उत्तर प्रदेश वाले बाबा के। और मुझे तो लगता है कि अगर दोनों लोगों को साथ खड़ा कर दें तो हमारे 20 निकलेंगे वो 19 निकलेंगे। जहाँ तक सवाल इस क्षेत्र का है, ये बीजेपी के लोग और बीजेपी का नेतृत्व हमेशा इस बात की बुराई करता था कि समाजवादियों ने बहुत काम किया है, अपने इलाके में काम किया है। मैं यही देखना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्या विकास हुआ होगा। और विकास केवल सड़क बिजली कारखाने का नहीं सवाल है, सवाल ये है क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या किसानों को जो वादा किया था आय दोगुनी वो मिल गई, क्या बिजली का बिल का रेट कम हो गया, क्या जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है उसको नियंत्रण कर पाए हैं। ये बड़े सवाल हैं। महंगी पढ़ाई हो गई, आज जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे किसानों को वो नहीं दे पा रहे हैं, बाजार पे छोड़ दिया किसानों को। गेहूं आप पता कर लीजिए, मध्य प्रदेश का हो यूपी का हो, बीजेपी के लोगों ने रणनीति के तहत प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा दिया और जो आटा बन करके आ रहा है वो महंगा है। आज रिफाइंड तेल कितना महंगा है, देश की सबसे बड़ी मुरैना मंडी है सरसों के तेल की, क्या किसानों को उसे अनुपात में लाभ मिल रहा है, क्या उड़द का लाभ मिल रहा है, क्या सोयाबीन की जो कीमत होनी चाहिए वो है। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार, कभी कभी मुझे लगता है इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इतने दावेदार हैं जितने मध्य प्रदेश में संभाग नहीं है। और पहली बार राजनीति में आप देखोगे कि प्रमोशन होता है, आप विधायक से सांसद बनते हैं, सांसद से मंत्री बनते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं। ये पहला प्रदेश देख रहे हैं जहां डिमोशन हो रहा है, जो मंत्री थे सांसद थे वो विधायक लड़ाए जा रहे हैं। तो यकीन करना आप, चुनाव के बाद दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि ये विधायक जीतने के बाद सदन में इन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें।